Class 10th students, good morning all of you. Students, I was explaining the lesson power sharing. In this lesson, we have seen the two examples about Sri Lanka, one about Belgium. How was power shared among the people in these two countries? That was different. अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग इन दोनों देशों में था. बेल्जियम के अंदर तो माइनॉरिटी जो संख्या में कम होते हैं उनको अपन माइनॉरिटी कहते हैं. माइनॉरिटी को भी पावर बांटा गया था सरकार चलाने का और मेजोरिटी को भी पावर बांटा गया था. लैंग्वेज बेस पे वहां पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी दो ग्रुप. लेकिन श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में मेजोरिटी जो थी सिंगाला स्पीकिंग, मतलब जो लोग सिंगाली भाषा बोलते हैं श्रीलंका में, उनको ज्यादा पावर दिया गया था बजाय तमिलियंस. तमिलियंस हैं वहां पे जो सेपरेट स्टेट की डिमांड भी कर रहे थे श्रीलंका के अंदर. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी कारण से वो सेपरेट स्टेट एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम के नाम से एक देश बनाना चाहते थे. वो इसलिए चाहते थे कि सिंगाली बोलने वालों को तो वहां पे इम्पोर्टेंस दी जाती थी और जो तमिल बोलते थे उनको वहां पे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी. तो इसके लिए वहां पे जो पावर शेयरिंग सिस्टम था वो सही नहीं था. तो बेल्जियम का जो पावर सिस्टम शेयरिंग सिस्टम है वो बेटर है, श्रीलंका का जो पावर सिस्टम है पावर शेयरिंग सिस्टम है वो गलत है. स्टूडेंट्स, इन दो एग्जांपल में अपन ये भी देखेंगे कि जो बेल्जियम जो कंट्री है वहां पे पावर शेयरिंग जो है वो तीसरी सरकार भी बनाई गई थी पावर के हिसाब से, जिसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे, जर्मन भाषा बोलने वाले थे और अदर भाषा बोलने वाले थे. इनको मिलाकर एक अलग से सरकार बनाई गई थी जिसका नाम कम्युनिटी गवर्नमेंट दिया गया था बेल्जियम के अंदर. स्टूडेंट्स, इन दिस वी सी दैट बेल्जियम इज द बेस्ट एग्जांपल. बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग सिस्टम है वो बहुत बढ़िया था, जिसमें हर लैंग्वेज बोलने वाले को बराबर का अधिकार मिल जाता था और वो इंटरेस्ट लेकर अपने देश के बारे में सोचते हैं. लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसा नहीं था. जो सिंगाली जो मेजोरिटी में है उन को ज्यादा महत्व दिया गया था. एज ए रिजल्ट जो माइनॉरिटी में जो लोग थे वो देश के बारे में इतना नहीं सोचते थे जितना कि मेजोरिटी सोचती थी. तो यहां पे जो पावर शेयरिंग बेल्जियम और श्रीलंका का अगर अपन कंपेयर करें, एक दूसरे की तुलना करें, तो अपन को ये फर्क महसूस होता है कि बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग सिस्टम था वो कॉम्प्लीकेटेड तो जरूर है, थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कितने परसेंट जो है वो अपन फ्रेंच स्पीकिंग को लेंगे, कितने परसेंट अपन जर्मन स्पीकिंग को लेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड है, लेकिन ये सिस्टम बहुत बढ़िया है. ये पावर शेयरिंग करने के बाद जो बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स सिटी जो कैपिटल है बेल्जियम की, उसको जो है वो मैन मतलब हेडक्वार्टर्स चुना जाता था. जब भी कोई इंटरनेशनल मीटिंग वगैरह होती है तो बेल्जियम इसके लिए परफेक्ट माना जाता था. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी दैट व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टूगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, जब भी यूरोप के अंदर जो कंट्रियां हैं वो जो यूरोप के व्हाट यू कॉल फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन बनाना चाहते थे, वो हमेशा इसके लिए जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां चूज करते थे, ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है. तो यहां तक दो पावर शेयरिंग का अपन ने एग्जांपल देखा है. अब अपन स्टूडेंट ये देखेंगे कि जो श्रीलंका है उसमें जो पावर शेयरिंग की किया गया और जो बेल्जियम है उसमें जो पावर शेयरिंग किया गया, तो इसका नतीजा, इसका रिजल्ट क्या हुआ वो अपन देखें. देखिए स्टूडेंट्स, वी सी दैट इन
बेल्जियम पावर शेयरिंग गिव द स्ट्रेंथ टू द कंट्री, मतलब ये देश को शक्ति देने वाला पावर शेयरिंग था। ठीक है, मतलब पावर शेयरिंग का मतलब आप जानते हैं जो अधिकार होते हैं लोगों को वो किस तरीके से बांटे जाते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट बनाई जाती है और किस तरीके से उसको चलाया जाता है, उसको ही अपन पावर शेयरिंग कहते हैं। तो बेल्जियम के अंदर जो पावर शेयरिंग किया गया अमोंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग एंड अदर लैंग्वेजेस, जिनमें पावर शेयरिंग किया गया, दैट वाज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। वो एक बहुत ही सही तरीके का पावर शेयरिंग है जिसमें सारी कम्युनिटी जो है देश की वो आ जाती है और उसको अपन पावर शेयरिंग जो बेस्ट माना जाता है। श्रीलंका में नो डाउट अबाउट इट कि जो मेजोरिटी में है सिंगाली बोलने वाले जो है वो मेजोरिटी में है, नो डाउट अबाउट इट कि उनको ज्यादा अधिकार मिला। हो सकता है वो खुश हो जाएं कि हमें तमिलियन से ज्यादा अधिकार मिला है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, अंत जो होगा वो ये होगा कि वहां पे इन स्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक अस्थिरता वहां पे पाई जाएगी। क्यों कि राजनीतिक अस्थिरता इसलिए बोलते हैं अपन कि जो सिंगाली है वो तो सारे पावर्स हैं वो इंजॉय करेंगे, और ऑन द अदर हैंड दोज हु स्पीक तमिल दे विल नॉट इंजॉय देयर लैंग्वेजिस्टिक पावर्स एंड ऑल। एज ए रिजल्ट वी फाइंड दैट पावर शेयरिंग इन श्रीलंका वाज नॉट इन ए प्रॉपर वे। एज ए रिजल्ट उसका अंत क्या हुआ, वहां पे सिविल वॉर स्टार्टेड इन श्रीलंका। सिविल वॉर श्रीलंका में कैसे हुआ, द पीपल दे फॉट विद ईच अदर, सम पीपल वॉन्टेड सेपरेट स्टेट लाइक तमिल स्पीकिंग एंड ऑल, सो दे हैड द कॉन्फ्लिक्ट विद द सिंगाली ग्रुप ऑफ पीपल, जो सिंगाली बोलने वाले थे उनके साथ में उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एज ए रिजल्ट वहां पे सिविल वॉर शुरू हुआ। दिस सिविल वॉर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो सो दैट यू कैन सी। Now, students, we will see that this power sharing is in two type. Why power sharing is needed? मतलब ये जो अधिकार हैं, ये बांटने की इनको जरूरत क्या है? That we will see. Students, you see that अधिकार बांटने की जरूरत इसलिए है, power sharing is needed because without power sharing, how a government can be formed? कोई भी government या सरकार जिसको अपन बोलते हैं वो पावर शेयरिंग के बिना बनाई नहीं जा सकती। टू मेक द गवर्नमेंट यू हैव टू शेयर द पावर, अगर आपको सरकार बनानी है, इफ यू वांट टू मेक द गवर्नमेंट यू हैव टू शेयर द पावर। जैसे पावर बांटे जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, पावर बांटे जाते हैं लेजिस्लेटर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशियरी में, तीनों में बराबर के पावर्स बांटे जाते हैं कि एग्जीक्यूटिव को क्या पावर है, लेजिस्लेटर को क्या पावर है, जुडिशियरी को क्या पावर है। तो ये पावर बांटने से क्या होता है, डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है वो सुचारू रूप से वेरी इन ए प्रॉपर वे दे कैन रन द गवर्नमेंट। ओके, सो दैट इज वाई दे डिवाइड द पावर से। पावर कैन बी डिवाइडेड ऑन द अदर हैंड ऑल्सो, एक तो उदाहरण मैंने ये दिया आपको कि पावर जो है वो हॉरिजेंटली डिवाइड किया जाता है, जैसे बिटवीन लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड दिस थिंग जुडिशियरी। दिस बिफोर आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल, अगर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊं उससे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द अदर टॉपिक दैट वाई पावर शेयरिंग इज नीडेड, पावर शेयरिंग की जरूरत और आवश्यकता क्यों है। स्टूडेंट्स यू सी हियर दैट फर्स्ट इज दैट पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। पावर शेयरिंग जब कर दिया जाता है तो किसी भी देश में आपस में लोग जो है वो लड़ेंगे नहीं। ओके, दे विल नॉट फाइट विद ईच अदर। सो स्टूडेंट्स you see that this is reason I will give you that why there is power sharing is needed. One reason is this only that people will not fight with each other if power sharing is done proper way like Belgium and all. Now
लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर पावर शेयरिंग नहीं है, अधिकारों का बंटवारा नहीं है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को चलाना मुश्किल हो जाएगा, देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। टू रन ए कंट्री इन प्रॉपर वे पावर्स को बांट देना बेहतर होता है, दैट इज वी हैव टू सी। नाउ यू सी दैट स्टूडेंट इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ऑन अदर्स। अब देखो ये पावर शेयरिंग अगर हिसाब से कर लिया जाए, जैसे बेल्जियम में किया गया, सभी भाषाओं जो बोलने वाले थे उनको बराबर का अधिकार दिया गया। अगर पावर शेयरिंग इस वे में किया जाए तो वो अच्छा रहता है, और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आपस में लोग लड़ते नहीं है, और वहां पे एक अच्छी सरकार बन सकती है। लेकिन जो मेजोरिटी होती है, जैसे सिंगालीज की अपन ने उदाहरण लिया, श्रीलंका के अंदर सिंगालीज जो ग्रुप है उसको ज्यादा महत्व दिया गया, उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई, उनको ज्यादा पावर दिया गया कंपेयर्ड टू द तमिल लैंग्वेज पीपल। ओके, सो एज ए रिजल्ट ये एक बार तो अच्छा लगेगा कि पावर शेयरिंग जो है वो मेजोरिटी जो है वो इंजॉय कर रही है पावर, फॉर ए टाइम बीइंग इट विल बी बेटर, बट आफ्टरवर्ड्स बाद में क्या होता है, पावर के लिए आपस में लोग लड़ने लग जाते हैं। ओके, बिकॉज माइनॉरिटी भी है मेजोरिटी भी है, उन सबको पावर का अपना अपना हिस्सा चाहिए। तो मेजोरिटी के हिसाब से जो पावर को बांटते हैं जिस देश में, उस देश की सरकार सही नहीं चल सकती। वेर जो माइनॉरिटी में जो रहते हैं और मेजोरिटी में जो रहते हैं, इन दोनों में पावर शेयरिंग अगर ढंग से किया जाए और बराबर का किया जाए जैसा बेल्जियम में किया गया था, तो सरकारें अच्छी तरीके से बनाई जा सकती हैं। स्टूडेंट्स यू सी दैट इन लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन। लॉन्ग रन के हिसाब से पावर शेयरिंग जो है वो बराबर की होने से क्या फायदा होता है कि सरकार जो बनती है देश की वो लंबे समय तक चलती है। ओके, और जो मेजोरिटी के हिसाब से अगर आप पावर शेयरिंग करोगे तो जो सरकार है देश की वो कम समय के लिए ही सीमित हो जाती है। क्यों? बिकॉज The people, every people or every linguistic people, every religious people, those who are in minority or majority, they want the power. Okay, so if they do not get the power, they will not allow the government to run in a proper way or function in a proper way. So we can say that for the good governance of the country, people need the power sharing as a whole, not on the basis of majority. Majority के आधार पर ही power sharing की जरूरत नहीं होती है, सारे के सारे जो है वो मतलब all people of the country get equal rights and powers, then only we can say this is the country. Now students, एक example आपकी book में दिया गया है regarding the power sharing. Power sharing के बारे में एक रिका आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसका हेडिंग है खलील के नाम से एक व्यक्ति है। तो देखिए हाउ ही सर्व मीन्स हाउ ही व्हाट ही फील्स अबाउट द पावर शेयरिंग, व्हाट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग खलील वांट। बिफोर आई एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल, जब मैं आपको ये एग्जाम्पल दूंगा उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट पावर इज डिवाइडेड और पावर शेयर अमोंग द पीपल इज ऑन द टू बेसिस, दो हिसाब से पावर शेयरिंग की जाती है। पहला तो है प्रोविडेंशियल एंड सेकेंड मॉरल। वाइल प्रोविडेंशियल रीजन स्टेट दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट अबाउट आउटकम्स। प्रोविडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयरिंग करने का, वो तो क्या है कि रिजल्ट दिखाता है कि पावर बांटने के बाद में कैसे रिजल्ट आते हैं, इसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। दूसरा रीजन है मोरल। मोरल विल एम्फसाइज द वेरी पावर ऑफ शेयर वैल्यूएबल। मोरल ये बताता है कि पावर शेयरिंग जो है वो वैल्यूएबल है, कीमती है। ये दोनों की वजह से प्रूडेंशियल एंड मोरल की वजह से अपन पावर शेयरिंग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आई विल स्टार्ट read out that what you call the example of Khalid. In the city of Beirut, there lived a man called Khalid.
सिटी ऑफ बैरूत, ये बैरूत के अंदर एक पर्सन है खलील नाम का। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी, उसके जो पेरेंट्स हैं वो अलग अलग कम्युनिटी के हैं। हिज फादर वाज क्रिश्चियन, उसका जो फादर था वो ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ही कट्टर जिसको बोलते हैं अपन, वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता था। और मदर जो है वो सुन्नी मुस्लिम थी। ओके, सो देयर पेरेंट्स वर फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी, फादर बिलोंग फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी वेयर एज मदर बिलोंग फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। दिस वॉज नॉट अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कंपोजिशन सिटी, ये इस सिटी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इट वॉज नॉट द सरप्राइजिंग थिंग दैट फादर बिलोंग फ्रॉम द अदर कम्युनिटी, मदर बिलोंग फ्रॉम द अनदर कम्युनिटी। इट वॉज नॉट ए वॉट वी कॉल इट वॉज नॉट ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप ऑफ एग्जाम्पल, इट वॉज कॉमन इन द सिटी लाइक बैरूत। People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital. Lebanon के अंदर जो लोग रहते थे वो ये खलील जो है वो वहां की capital city के अंदर रहता था। Mother and this community they used to live in Beirut. They lived together, intermingled yet fought bitter civil war among themselves. One of Khalil's uncle was killed in what war? वहां पे सिविल वार शुरू हो गया था बैरूत के अंदर। ओके, लेबिनान के अंदर सिविल वार शुरू हो गया था। सिविल वार का मतलब होता है जब देश के लोग अंदरूनी भाग में आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तो उसको सिविल वार कहा जाता है। इस सिविल वार के अंदर लेबिनान के अंदर मतलब हजारों लोग मारे गए थे। ओके, ड्यू टू ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के हजारों लोग इसके अंदर मारे गए थे। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वार लेबिनान्स लीडर केम टुगेदर एंड एग्रीड सम बेसिक पावर इन द कंट्री। अब ये जो सिविल वार है ये खत्म होने के बाद जो लेबिनान के लोग थे उन्होंने एक शांति स्थापना करने के लिए, टू मेक द पीस इन द कंट्री, दे एक्सेप्टेड वन एग्रीमेंट, उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया था कि इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो काम किया जाए। सो व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट दे मेड दैट वी विल सी। एज पर दीज रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग फ्रॉम द कैथोलिक क्रिश्चियन, जो देश का प्रेसिडेंट बनेगा वो क्रिश्चियन होगा। ओके, कैथोलिक क्रिश्चियन होगा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, और देश का जो प्रधानमंत्री बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो कौन सी कम्युनिटी का बनेगा? सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का बनेगा। तो प्रेसिडेंट तो बनेगा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का, और प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो बनेगा सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो पोस्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बनेगा। मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है वेरी ओल्ड, मतलब पुराने विचारों के लोग जो होते हैं उनको अपन ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा वो वहां का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। देन क्रिश्चियन सेट स्पीकर जो होगा वो सिया मुस्लिम होगा। तो सुन्नी मुस्लिम तो क्या था? प्राइम मिनिस्टर था। और सिया मुस्लिम क्या हो जाएगा? स्पीकर हो जाएगा। ओके, एंड दे एग्रीड टू यूनिफिकेशन द नेबरिंग स्टेट। अब इन्होंने दूसरे जो देश थे पास के लेबिनान के, उनको लेबिनान में मिलाने का काम शुरू कर दिया था। लाइक वेन द क्रिश्चियन एंड मुस्लिम केम टू दिस एग्रीमेंट दे नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन। जब ये एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के बीच में, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में, तब वहां की जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट बराबर की पॉपुलेशन थी। उतने ही क्रिश्चियन थे, उतने ही मुस्लिम्स थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? द एग्रीमेंट होने के बाद में ये जो मुस्लिम्स जो है वो मेजोरिटी में आ गए वहां पे। मतलब जो जनसंख्या थी मुस्लिमों की वो ज्यादा हो गई बजाय क्रिश्चियंस के। तो अप टू हियर मैं आज आपको इस एग्जाम्पल को बताऊंगा। बाद में
आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट वीडियो. सो फर्स्ट यू सी दिस दैट हाउ दे पावर को कैसे बांटा गया. तो लेबिनान में सिविल वार हुआ था, सिविल वार को रोकने के लिए उन्होंने जो पावर था वो किस तरीके से बांटा, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में उन्होंने बांट दिया था. ओके एंड पीपल वर हैप्पी. सो दिस इज नोन एज द व्हाट यू कॉल पावर शेयरिंग ऑफ लेबिनान. इसका रिमेनिंग पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर.